बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में। कंप्यूटर के बेसिक से अभिप्राय आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज देने से है, जिससे आप कंप्यूटर को सुचारू रूप से चला सकें। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। एक कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन है जो इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस को प्राप्त करती है, उन पर प्रोसेसेस अर्थात कार्य करती है और उसके पश्चात आपको आपकी वांछित आउटपुट प्रदान करती है। ये आउटपुट आप संभाल के भी रख सकते हैं अर्थात कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं, जिसका प्रयोग आप बाद में भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर कंपोनेंट्स की। कंप्यूटर मुख्यतः दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। सबसे पहले कंप्यूटर हार्डवेयर और दूसरे नंबर पे है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर से अभिप्राय सभी इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल पार्ट से है, अर्थात कंप्यूटर के सभी वो भाग जो बिजली से कार्य करते हैं और साथ ही जिनको आप छू सकते हैं, वो सभी भाग कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। इसी तरह से हमारे पास, यदि हम यहाँ इस पिक्चर में देखें, तो हमारे पास काफी तरह के कंप्यूटर हार्डवेयर के पार्ट्स दिखाए गए हैं, जिनका अलग अलग प्रकार का कार्य रहता है। कंप्यूटर हार्डवेयर में सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस की। वो डिवाइसेस जिनसे आप कंप्यूटर को कमांड्स दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, उसे हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं, जिनमें सबसे पहले है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक मुख्य डिवाइस रहता है जिससे आप टाइप करके कंप्यूटर को कमांड्स दे सकते हैं। इसी तरह से माउस। माउस में आपके पास तीन प्रकार के बटन रहते हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और स्क्रॉल बटन। इन तीनों बटन्स की सहायता से भी आप कंप्यूटर को कमांड्स दे सकते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास अवेलेबल है जॉयस्टिक। कंप्यूटर गेम्स खेलने का सबसे अच्छा माध्यम रहता है जॉयस्टिक के द्वारा गेम्स खेलना। कंप्यूटर में आप गेम्स खेलते समय जॉयस्टिक के साथ कमांड्स दे सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास स्कैनर रहता है, स्कैनर जिसका प्रयोग हम डॉक्यूमेंट्स और इमेजेस को स्कैन करने के लिए करते हैं, जिससे कि वो डॉक्यूमेंट्स और इमेजेस हमारे पास कंप्यूटर में अवेलेबल हो जाती हैं। अगली डिवाइसेस हमारे पास है आउटपुट डिवाइसेस के रूप में, जिसमें सबसे पहले है हमारे पास LCD, LED या मॉनिटर, जिन पर कंप्यूटर अपनी आउटपुट प्रदान करता है। इनमें पिक्चर के रूप में आउटपुट प्रदान की जाती है, जिसमें मुख्य शामिल है LCD, LED या मॉनिटर। उसके पश्चात हमारे पास प्रिंटर अवेलेबल रहते हैं, जिन पर प्रिंटेड आउटपुट प्रदान की जाती है, अर्थात पेपर पर एक प्रिंटेड आउटपुट दिया जाता है, जैसे कि आप बायोडाटा निकलवाएं या कोई लेटर या एप्लीकेशन टाइप करके उसका प्रिंट निकलवाते हैं, तो वो प्रिंट प्रिंटर के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसी तरह से यदि आप सॉन्ग्स यानी कि गाने सुनना चाहते हैं, तो उसके लिए स्पीकर का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा, तो स्पीकर के द्वारा जो ऑडियो आउटपुट है वो आपको दी जाती है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम होते हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर को कमांड्स दी जाती हैं, उन कमांड्स के आधार पर कंप्यूटर कार्य करता है। दो मुख्य तरह के सॉफ्टवेयर अवेलेबल रहते हैं कंप्यूटर में। सबसे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर जिनका एक विशेष कार्य रहता है, जैसे कि पेंट जिसमें सिर्फ ड्राइंग की जाती है, इसी तरह से वर्ड जिसमें मुख्यतः टाइपिंग का काम किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जिसके अंतर्गत कैलकुलेशन का काम किया जाता है, फॉर्मुलेशन का काम किया जाता है, इसी तरह से टैली जिसमें अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं।
तो वो सभी सॉफ्टवेयर जो एक खास कार्य करते हैं, एक विशेष तरह का कार्य करते हैं, उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। दूसरी तरह के सॉफ्टवेयर हमारे पास उपलब्ध रहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में, वो सॉफ्टवेयर जो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं और कंप्यूटर के सभी रिसोर्सेज का पूरा प्रयोग करने के लिए जिनके पास अधिकार रहता है, उस सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से है जिस प्रकार से एक स्कूल में बहुत सारे टीचर्स रहते हैं, हर टीचर अलग सब्जेक्ट पढ़ाता है, जैसे मैथमेटिक्स का टीचर मैथ्स का, इंग्लिश का टीचर इंग्लिश का, साइंस का टीचर साइंस का सब्जेक्ट पढ़ाता है, जैसे कि हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो एक खास कार्य करते हैं। परंतु उन सभी टीचर्स को सहयोग करने के लिए स्कूल या कॉलेज में एक प्रिंसिपल अवेलेबल रहता है जिसका कार्य उन सभी टीचर्स को सहयोग करना है। तो प्रिंसिपल के रूप में हमारे पास यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है जिसका मुख्य कार्य कंप्यूटर के सभी रिसोर्सेज का ध्यान रखना होता है और उनका प्रॉपरली प्रयोग करना होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे मुख्य है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रदान किया गया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के रूप में ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही प्रयोग किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अतिरिक्त लिनक्स, यूनिक्स और उबंटू भी बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम है। यदि हम इन सभी चीजों के बीच में जो अभी तक हमने अध्ययन किया है उन सभी के बीच में रिलेशन क्रिएट करें, तो हम देखेंगे कि हम यानी कि यूजर्स जो कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं वो मुख्यतः अपना कार्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपने कार्यों को करवाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड्स देते हैं और फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम अपना कार्यों को करवाने के लिए हार्डवेयर रिसोर्सेज का प्रयोग करते हैं और इसके लिए वो हार्डवेयर को कमांड्स देते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आप कंप्यूटर से कार्य नहीं ले पाते। तो सबसे पहले कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, उसके पश्चात आप उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो माध्यम है जिसके द्वारा हार्डवेयर से कार्य लिया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है सीपीयू। सीपीयू का अर्थ होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सभी प्रकार के कार्य सीपीयू के द्वारा ही किए जाते हैं। जितनी भी डिवाइसेस इनपुट या आउटपुट, सभी डिवाइसेस सीपीयू के साथ ही कनेक्टेड रहती हैं अपना कार्य करने के लिए। और यहाँ यदि हम ध्यान से देखें तो हमारे पास कीबोर्ड और माउस के साथ तो कमांड्स दी जा सकती हैं जिनको सीपीयू को दिया जाता है, और उन कमांड्स के आधार पे सीपीयू उन कमांड्स पे प्रोसेसिंग करके आउटपुट प्रदान करता है जो एलसीडी या एलईडी पे, यदि आपको प्रिंटेड चाहिए तो प्रिंटर पे, और यदि वो ऑडियो फॉर्मेट में है यानी कि सॉन्ग्स या गाने हैं तो आप उनको स्पीकर में भी सुन सकते हैं। यहाँ ये ध्यान दीजिए कि सीपीयू में मुख्यतः दो बटन होते हैं। जो बड़ा बटन होता है उससे आप कंप्यूटर स्टार्ट कर सकते हैं और छोटे वाले बटन से आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। सभी इनपुट डिवाइसेस में से सबसे मुख्य डिवाइस रहती है माउस। माउस जिसका प्रयोग कंप्यूटर में कमांड्स देने के लिए सबसे ज्यादा किया जाता है। एक माउस के मुख्य भाग आपके सामने हैं। सबसे पहले इसके पास एक लेफ्ट बटन, एक राइट बटन और एक स्क्रॉल बटन होता है। लेफ्ट बटन को लेफ्ट क्लिक भी कहते हैं, राइट बटन को राइट क्लिक भी कहते हैं। यदि आप कंप्यूटर में कोई चीज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो लेफ्ट बटन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी इसके बहुत सारे प्रयोग रहते हैं लेफ्ट बटन के। इसके साथ ही यदि आप किसी चीज की प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप राइट बटन का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशंस पर राइट क्लिक करने पे उनके बहुत सारे मुख्य ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। इसी तरह से जो स्क्रॉल बटन रहता है, यदि आपका डॉक्यूमेंट या पेज बहुत बड़ा है तो आप उसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं, अर्थात ऊपर नीचे करके देख सकते हैं।